हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज डिजिटल क्लासेस एंड टुडे डेट इज 7th of July 2020 एंड आई एम आनंद मिश्रा, एचओडी ऑफ साइंस। और आज आप लोगों को मैं जो टॉपिक पढ़ाने आया हूँ वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। और डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इसका डेरिवेशन सीखेंगे। डेरिवेशन यानी हम इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं, यानी कैसे इन समीकरणों को हम कैसे व्युत्पन्न करते हैं, आज हम ये समझेंगे। इसमें मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज के बारे में बताया था। इसमें मैंने यू के बारे में बताया था, वी के बारे में बताया था, ए के बारे में बताया था, टी के बारे में बताया था और एस के बारे में बताया था। मैं क्या फिर से बता दूँ आपको ये क्या क्या है। U यानी इनिशियल वेलोसिटी होती है, V क्या है फाइनल वेलोसिटी होती है, A एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है, T टाइम होता है और S यानी दूरी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सेलरेशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ए इजिकल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है। अब ए इजिकल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी हो गया, देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ए अपॉन वन इजिकल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, then we have to cross multiplication, then AT is equals to V minus U, then V is equals to U plus AT, this is called equation 1, यानी ये हमारा गति का समीकरण एक हो गया। इस गति के समीकरण में यदि आपको फॉर्मूले में या हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है according to द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं, त्वरण के सूत्र के अनुसार, और आप फिर क्या लिखेंगे, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय, और फिर आप फिर से आप पूरा डेरिवेशन चालू कर देंगे कि ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी से, और आप टू कर देंगे वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आपको हिंदी में पूरा करना है, जो स्टेप इंग्लिश मीडियम दिए हैं वही स्टेप यहाँ पर भी सेम होंगे। अब दूसरा जो आपकी इक्वेशन आती है वो आती है सेकेंड इक्वेशन। ये कैसे प्रूव करते हैं, ये इसका इम्पोर्टेंट वाली बात है, समझ लेना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो समय बराबर होता है, ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये अभी आप लोगों ने पढ़ लिया। इसमें आप लोग v की फॉर्मूला आप लोग समझ चुके हैं और u का फॉर्मूला भी समझ चुके हैं कि क्या होता है, और एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो भी समझ लीजिए, वो होता है u प्लस v अपॉन टू, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें v की जगह वैल्यू पुट अप कर देंगे u प्लस ए टी। तो देखिए कैसे, ध्यान से कैसे रखना है कि डिस्टेंस हम जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस क्या है हमारे यहाँ पे, डिस्टेंस होता है हमारा एस, स्पीड हमें पता लग गई यू प्लस वी अपॉन टू, और टाइम क्या होता है, टी होता है। तो एस जानते हैं, एस को ऐसे ले देंगे, यू ऐसे ले देंगे, वी की वैल्यू हम पिछले पेज पर पढ़ चुके हैं, यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। देन नेक्स्ट स्टेप में एच इजिकल्स टू टू यू प्लस
at upon 2 into t. We have to multiply s equals to 2ut plus at square upon 2. We have to divide it by 2, then s equals to 2ut upon 2 plus at square upon 2, then s equals to ut plus half at square. ये हमारा यहाँ पर s की वैल्यू दूसरी सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गया। फिर हम लेंगे थर्ड वाली इक्वेशन लेते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, देखिए समझ लीजिए। थर्ड वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल है। थर्ड इक्वेशन में आपको कौन सी होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये होती है। इसको आपको चालू कहाँ से करना है वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। बस आपको ध्यान रखना है क्या, दो चीज़ों का। आप जानते हैं फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पर t की वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। कैसे, जैसा कि आपने बगल में देखा था, अभी आपने देखा था कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a बराबर v माइनस यू अपॉन t पढ़ा था। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। तो यहाँ पर रख देंगे v इक्वल्स टू यू प्लस a, और t की वैल्यू रख देंगे हम v माइनस यू अपॉन आपका a। तो रख दिया नाम यहाँ पर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी कैसे लेते हैं वो भी देख लीजिए। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपने पढ़ा था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड तो ऐसा आएगा डिस्टेंस, अभी आप डिस्टेंस इक्वल्स टू जो अभी आपने पढ़ा था स्पीड इनटू टाइम पढ़ा था, डिस्टेंस तो ऐसा आएगा स्पीड की जगह यू प्लस वी अपॉन हो जाएगा आपका टू, और वी की जगह हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन आपका ए। नेक्स्ट स्टेप में एस इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन आपका टू हो जाएगा इनटू वी माइनस यू अपॉन ए। ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है, देख लीजिए v प्लस यू और इंटू वी माइनस यू अपॉन टू ए, देन एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, देन टू ए एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू ए को हमने यहाँ भेज दिया, देन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसको यू स्क्वायर को वहाँ ट्रांसफर कर दिया। देन हमारा ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में करिए। कोई भी डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे या ग्रुप में शेयर करके आप मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू।